के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारा फोकस तीनों सेनाओं को मिलाकर तीन नहीं बल्कि पांच या फिर सात करना होगा। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं एक प्लस मिलकर तीन नहीं बल्कि पांच या सात होंगी। पीओके को लेकर सवाल पूछे जाने पर जनरल रावत ने कहा कि जो भी प्लान बनाए जाते हैं वह कभी पब्लिक में साझा नहीं किए जाते। राजनीतिक झुकाव के आरोप पर जवाब देते हुए जनरल रावत ने कहा कि सेना सरकार के आदेशों पर काम करती है। अपने काम को लेकर उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच समन्वय स्थापित करना है। ये तीनों ही फोर्स टीम वर्क के तहत काम करेंगी और उस पर नजर रखने का काम CDS करेगा। उन्होंने कहा कि हमें तीनों सेनाओं के जोड़ को तीन नहीं बनाना है बल्कि पांच या सात करना है। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की। जनरल बिपिन रावत ने अपने कार्यकाल के पहले दिन की शुरुआत दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ की। उन्होंने आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, नेवी चीफ करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया समेत अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सेनाओं के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, साझा सैन्य अभ्यास पर रहेगा। अपनी नियुक्ति पर राजनीतिक विरोध को लेकर रावत ने कहा कि हम राजनीति से दूर रहते हैं। विपक्षी दलों की ओर से राजनीतिक झुकाव के आरोपों को लेकर रावत ने कहा कि जो भी सरकार होती है हम उसके आदेशों पर काम करते हैं। वहीं नए सेना प्रमुख बने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि तीनों सेनाएं देश की रक्षा में हर वक्त तैयार हैं और दामन पर कभी आंच नहीं आने देंगे। नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने वाले जनरल नरवाने ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही। देशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए नए आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी संभालने पर गर्व है। उन्होंने कहा यह कितना अहम प्रभार है इसका भी मुझे एहसास है। मैं वाहेगुरु से कामना करता हूं कि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मुझे साहस, शक्ति और बुद्धिमत्ता दे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि आज से नए दशक की शुरुआत हो रही है और उम्मीद है कि यह भारत की तरक्की का दशक होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की तरक्की के लिए सीमाओं की सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी तीनों सेनाएं हर वक्त किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और देश को महफूज रखने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि थल सेना का हर जवान 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर है। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। CDS जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से CDS किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की जरूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको तीन नहीं बनाना है, उसको पांच या सात बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो CDS को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर IDS के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे, तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। जो तीन जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड आई थिंक आगे काम करेंगे। देखिए, उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी
ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? सर, सीरियस सीरियस से संबंधित एक काम है। व्हाट विल बी योर इनपुट टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस? हाउ विल यू कंट्रीब्यूट? वेल, यू आर पार्ट ऑफ इट, दैट्स इट। सर, ये परसेप्शन है सर, योर मैंडेट इज थिएटराइजेशन, बट द एयरफोर्स हैज ट्रेडिशनली बीन अपोज्ड टू थिएटर कमांड्स इंक्लूडिंग एयर चीफ धनोआ एंड सेवरल प्रीवियस चीफ्स। हाउ विल यू गो अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस टू गो इन फॉर थिएटराइजेशन? You see, I think there are methods of doing theatrization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanism. Tino, Sashastra Senai, Army, Navy aur Air Force puri tarike se taiyar hain aur apne desh ko surakshit rakhenge aur iske daman par koi aanch nahi aane denge. Sena ke jawan sarhad par tainat तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। आने वाले समय भी, भविष्य में भी हम आने वाले चुनौतियों का तैयारी करते रहेंगे। हमारी थल सेना युद्ध अनुभवी है और भविष्य में भी किसी भी खतरे को टालने के लिए सक्षम है। टेररिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। इंडिया हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ टेररिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज ओनली नाउ दैट द एंटायर वर्ल्ड एंड मेनी कंट्रीज हु हैव नाउ बीन अफेक्टेड बाय टेररिज्म आर कमिंग टू रियलाइज व्हाट अ थ्रेट इट इज। एज फार एज द नेबर्स आर कंसर्न्ड, दे आर ट्राइंग टू यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, as a way of carrying out a proxy war against us while maintaining deniability. However, this state cannot last long. As they say, you cannot fool all the people all the time. So they may try this, but they will not succeed. Well, post the abrogation of Article 370, there has been a definite improvement in the situation on the ground. The incidents of violence, whether by the local population or the incidents of terrorist initiated incidents, both have seen a marked decline, and this augurs very well for the population of JBD banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।